हेलो फ्रेंड्स, आज है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। जी हाँ, 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के फॉर्म में मनाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हैप्पीनेस का कोई सिंगल डे नहीं होता, हर दिन हमारा हैप्पी डे होता है। लेकिन जो हैप्पीनेस है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस, वेलबींग, सब कुछ हमारी इस हैप्पीनेस पे डिपेंड करती है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने 2013 से 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के फॉर्म में मनाना शुरू किया। और इस साल 2022 का जो थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का, वो बहुत ही यूनिक है। हमारा इस बार का थीम है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। और इस थीम में ही हमारे हैप्पीनेस के सीक्रेट भी छुपे हुए हैं। जी हाँ, जब आप अपने आप को काम रखते हैं, कूल रहते हैं, तो आप हैप्पी होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस और सम अदर रीज़न, लोगों की जो मेंटल पीस होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बी कूल एंड काम। शांत रहिए, शांत रहने से आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस रेशो है, वो इंक्रीज होता है। और दूसरा है स्टे वाइज, ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम बहुत सारी टफ सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं। लेकिन अगर आप उन मुश्किल हालातों का भी सामना वाइजली करते हैं, यानी कि बुद्धिमानी से करते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं। बिकॉज जो लोग मुश्किल हालातों का सामना समझदारी से करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इस स्लोगन में, कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिसाइड होती है कि आप टफ सर्कमस्टांसिस में भी कितने वाइज, कितने समझदार बने रहते हैं। सो स्टे वाइज। और इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्लोगन में, वो है बी काइंड। फ्रेंड्स, हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम काइंडनेस डेवलप करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग दूसरों की वजह से, उनकी किसी गलती की वजह से, या उन्होंने किस तरह से बिहेव किया उसकी वजह से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उनकी जो हैप्पीनेस है वो इंडेक्स लो चला जाता है। तो हमारी हैप्पीनेस को किल करता है हमारा खुद का एटीट्यूड। जब आप दूसरे लोगों की किसी भी बात से परेशान होते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं, आप अपनी जो पीस है, अपनी जो हैप्पीनेस है, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो बेहतर यह है कि बी काइंड। आप माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ में कोई गलत कुछ किया है, उनकी मिस्टेक्स को, या उनके किसी भी बिहेवियर को जो आप इग्नोर करते हैं या उनको फॉरगिव करते हैं, तो ये आपकी हैप्पीनेस को इंश्योर करता है। फ्रेंड्स, हम सभी को ये बात पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी हैप्पीनेस। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये कि हैप्पी होना, खुश रहना हमारी खुद की चॉइस होती है, हमारा खुद का डिसीजन होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। जबकि हैप्पी होना ये आपका एक पर्सनल डिसीजन है, आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप हैप्पी रहेंगे, तो फिर कोई भी आपके इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। जी हाँ, एक बार डिसाइड करके देखिए। हैप्पी होना हमारे लिए प्रायोरिटी भी होना चाहिए, बिकॉज जब हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसको हम इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट जब हम हैप्पी मूड में कुछ काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, हम अच्छा काम कर पाते हैं। और जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ की सक्सेस डिसाइड होती है। सो हैप्पीनेस एंड वेलबींग हमारी लाइफ के सेटिस्फेक्शन को भी डिसाइड करती है। जो लोग हैप्पी होते हैं उनके लिए उनकी लाइफ बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है। एंड हैप्पीनेस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपने पहले नहीं देखे तो आप प्लीज़ वॉच करिए। एक पूरी प्लेलिस्ट है हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी की। और इस तरह से आप अपने हर डे को हैप्पी डे बना सकते हैं। सो कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।